मांगता हूँ दो जहर की पुड़िया इसको लाके दे देना कोई, की मेरा भाई जो मेरे से प्रेम रखता हो, दो सल्फाज की पुड़िया जरूर कोई लाके दे देना, यदि कोई मेरे से इतना प्रेम रखता हो, अपना भाई समझता हो, क्योंकि शुरुआत अगर होगी तो आगे लिए सबके रास्ता खुलने का। मैं आपसे और कुछ भी नहीं मांगता हूँ, इसीलिए आपसे यही निवेदन करने आई है कि एक बच्चा है मेरा, इतना ही बड़ा परिवार है, यदि मेरे साथ ये घटना होती है तो आप दो जहर की पुड़िया सरकार ने देगी, आप में से कोई भी लाके दे देना, ठीक है? और ये मेरे नहीं, शायद मालिक ने करे इसी के साथ गुजरे, तो आगे तकलीफ देखने से पहले बेहतर है कि एक ही दिन में ये परिवार खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं मेरा छोटा सा परिवार और मेरे जैसे लाखों करोड़ों होंगे। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि इतना उपकार कर देना, दो सल्फाज की पुड़िया कोई भी लाके दे देना हंसते हंसते इसको, ठीक है? क्योंकि ना तो 7-8 लाख रुपए जुर्माने के है, और ना इस उम्र में अब 10 साल सजा काटने की हिम्मत बची, और ना इसको कोई पालन पोषण करने वाला रहेगा। मेरा क्या किसी के परिवार में अब बहुत मुश्किल हो जाता, हम 5-7 हजार रुपए की तनख्वाह से काम करने वाले, अपना परिवार चलाने वाले, किसी के पास घर भी नहीं है। सरकार ने आज तक कोई योजना ड्राइवर के लिए नहीं बनाई है, लाते घूसे लाठियां ये जरूर मुफ्त में मिल जाती है, पुलिस की है, भीड़ की है, एक्सीडेंट हो जाए ना अगर हम वहां से भग जाए, तो यही जान बचाने का एक तरीका होता है कि अपन जान और माल गाड़ी दोनों को बचा सके। हम पुलिस के पास जाते जरूर हैं, पर उससे पहले अगर पब्लिक के हाथ लग जाए या अस्पताल में ले जाने की कोशिश करें तो अस्पताल में वो तो नहीं जाएगा, हमारी लाश जरूर चली जाती है। भीड़ में ऐसा हुआ है और कई वीडियो तो गाड़ी को बचाएगा, अपने माल को बचाएगा कि अपने आप को बचाएगा, बहुत मुश्किल है। आप कितने बड़े दादा हो, प्रदेश में आप किसी से ऊपर हाथ नहीं उठा सकते, आप भी नहीं उठा सकते हो, तो ये एक मजबूरी होती है। कड़े कानून बने, मगर उसके लिए ये भी सोचा जाए कि इसके परिवार का क्या होगा। 302 धारा लगती है डायरेक्ट मर्डर करने पे, और पुलिस पे अगर अपन समर्पण कर दें तो उसको 10 साल की सजा होती है, मुझे अच्छी तरह मालूम है, यदि आप सरेंडर करते हो तो। यदि मर्डर हुआ फिर 304A यानी एक्सीडेंट की धारा नहीं हुई, जो दुर्घटना जानबूझ के कोई नहीं करता, हर ड्राइवर कुत्ते और बिल्ली के बच्चे के लिए तक अपनी गाड़ी को पलटी मार देता है, तो फिर हम इंसान जानवर से इंसान को क्या मारेंगे भैया? वो रोजी रोटी हम आगे से टकराने से डरते हैं कि इसको खरोंच नहीं आ जाए, एक्सीडेंट तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, और इसके लिए इतना कड़ा कानून, क्या पता उनके उनके परिवार में कोई ड्राइवर नहीं है, वो बैठे बैठे एरोप्लेन में घूमते हैं, यदि रोड पे चलते उनको दुख दर्द याद होता तो आज ये नौबत नहीं आती। आज हम सब इकट्ठा हुए हैं, ये जो ज्ञापन दिया जा रहा है टैक्सी यूनियन द्वारा, सभी प्रकार के ड्राइवरों द्वारा जो निवेदन किया जा रहा है देश देश के कोने कोने से, इसी क्रम में हम गंगा तहसील के सभी ड्राइवर भाई इकट्ठे हुए हैं, और आदरणीय एजीएम साहब हमारे इस प्रार्थना पत्र को स्वीकार करेंगे, ये आवाज आगे तक जाएगी जिस क्रम में सभी देश के ड्राइवर भाई पहुंचा रहे हैं, हम भी निवेदन करने आए हैं, और यदि निसुनवाई हुई तो जो आगे की दिल्ली जयपुर जो भी हमारी संस्थाओं के अध्यक्ष बैठे हैं वो जो फैसला लेंगे, हम भी अपनी स्टेयरिंग छोड़ेंगे और या तो रोड पे झाड़ू लगाएंगे, कई बकरियां चराएंगे, होटल पे कपलेट धोएंगे, गाड़ी नहीं चलाएंगे। सभी प्रकार के ड्राइवरों की बात है, छोटे बड़े वाहन इसमें कोई बस या नहीं है। बाकी जो कुछ यहाँ सुन रहे हैं कि भाई ये नियम तो सबके लिए लागू है, चाहे फोर व्हीलर छोटा है, बड़ा हुआ है, थ्री व्हीलर है, दुर्घटना किसी से भी कभी भी हो सकती है।